हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आर एस प्ले सुपर। भाई कल की बात है, मैं आराम से लेटा हुआ था कि अपने एमआरजे का मैसेज आता है, भैया 1048 का स्पॉइलर आ गया, रिकॉर्ड कर लो। एंड आई वाज लाइक, भाई थोड़ा सब्र रख, कर लूंगा, बट वो तो गांड में ही घुस गया बेंचो, अभी करो। तो मैंने बोला देख भाई, वीडियो तो 12 बजे रात से पहले रिकॉर्ड होनी नहीं। मेरा तो मस्त प्लान था कि आज रात में हिला के आराम से सो जाऊंगा, लेकिन वो तो मानने वाला नहीं। तो कल पूरी रात गांड घिस के मैंने ये वाली वीडियो आपके लिए बनाई है। खैर, बकचोदी असाइड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1048 के स्पॉयलर्स के बारे में, जहां पर हम देखने वाले कुछ अमेजिंग चीजें जो नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अतुल ब्रो, लेट्स रोल द इंट्रो। काइडोज अवेकनिंग। देखो भाई, जब सब लोग सोच रहे थे कि लूफी की अवेकनिंग हो गई है तो काइडो बहुत जल्दी डिफीट हो जाएगा और वानो आर्क खत्म होने वाला है, वानो आर्क कंक्लूड होने वाला है, बट आई वाज लाइक ऐसा इम्पॉसिबल है। काइडो ऐसे कैसे डिफीट हो जाएगा? काइडो तो योंको है। जब काटाकुरी डूफी जैसे लोगों ने अपना डेविल फ्रूट अवेकन कर रखा है, तो क्या काइडो जो इतना पिट रहा है लूफी से, वो बिना अवेकनिंग यूज किए ऐसे ही हार जाएगा? इस पॉइंट में कोई लॉजिक था? और इसीलिए मैंने अभी तक पोस्ट वानो आर्क पे वीडियो भी नहीं बनाई है। तो फाइनली मेरे जैसे लोगों को अपना जवाब मिल चुका है और काइडो की अवेकनिंग सामने आ गई है इन लीग्ड स्पॉयलर्स में। सो अपेरेंटली काइडो कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रैगन कॉल्ड ग्रेट फ्लेम फायर ड्रैगन। नेम बहुत ही ऑब्वियस है, काइडो एक जलते हुए ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नाउ आई डोंट नो इस फॉर्म में क्या पावर्स हो सकती हैं। मैथोलॉजी में भी मुझे इसका कोई खास रेफरेंस नहीं मिला है। करेंटली सिर्फ इतना पता है कि इस ड्रैगन में इतनी पावर है कि ओनिगाशिमा का जो एक सींग जोरो ने काट दिया था और दूसरा वाला जो अभी सीधा बचा था उसको काइडो ने बस टच करके पिघला दिया। नाउ आई एम थिंकिंग कि अगर लूफी ने काइडो को स्ट्राइक किया तो उसका क्या होगा? एट द एंड वो भी रबर का ही है, और अगर काइडो ने उसको टच किया तो उसका क्या हाल होगा, ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। काइडो की इस नई एबिलिटी के सामने ब्लास्ट ब्रेथ बस एक मजाक सा लग रहा है। अभी यहाँ से एक चीज और क्लियर है कि लूफी का जो करंट पंच है वो कोई नॉर्मल पंच नहीं है। काइडो को भी ये बात पता है कि जैसी उसकी हालत है इस समय, अगर ये वाला पंच उसको पड़ा तो वो शायद इसको झेल नहीं पाएगा, इसलिए वो अवेकनिंग का यूज कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक उसने अवेकनिंग का यूज क्यों नहीं किया? बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, काइडो को नहीं लगा था कि एक रुकी के लिए उसको अवेकनिंग यूज करना पड़ेगा। इवन जब लूफी उसको ठीक ठाक हाकी पंचेस से मार रहा था, वो अगर अवेकनिंग यूज करता तो उसकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती, वैसे भी उसको फाइट में मजा आ रहा था। शायद उसको ये भी देखना था कि इक्वल ग्राउंड्स में लूफी उसके सामने कितने देर टिकेगा, लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गई है। काइडो को पता चल चुका है कि लूफी अब उसके हाथ से बाहर निकल चुका है। नॉट ओनली हाकी, उसने अवेकनिंग भी ले आई है, जो बहनचोद पता नहीं कौन से लवड़े का पावर दे रही है। इसीलिए अब काइडो को पता है कि उसको अपने अवेकनिंग का यूज करना पड़ेगा। आपको याद है लास्ट चैप्टर में लूफी एक बड़ा सा पंच आसमान से नीचे लेकर आ रहा था, जिसकी वजह से मोमोनोसुके को ओनिगाशिमा को रास्ते से हटाना था। तो इस बड़े से पंच मूव का नाम भी रिलीज हो गया है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और गेस करो इस मूव का क्या नाम है? गमुगमुनो बजरंग गन। बजरंग गन, लगता है ओडा को बजरंग दल के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये मूव सुनने में तो काफी हेफ्टी लगता है, बट एज ए इंडियन थोड़ा सा वियर्ड भी। नंदलेस, अगर यही ऑफिशियल नेमिंग होती है इस मूव की तो नो डाउट एज ए हिंदू इंडियन मुझे बहुत प्राउड फील होगा अपने ऊपर। मतलब हिंदुइज्म कौन से एनिमे में नहीं देखने को मिली? हमने नारुतो देख लिया, ड्रैगन बॉल देख लिया, रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक भी देख लिया। काफी सारे एनिमेज एक्चुअली इंडियन कल्चर से रेफरेंस लेते हैं, बट हिंदू कल्चर इज नॉट द पॉइंट हियर। ये फाइट काफी हद तक फाइट बिटवीन ग्रेट ड्रैगन वर्सेस मंकी किंग जैसी लग रही है, जो कि मैं एक्चुअली नहीं चाहता। लूफी अचानक से मंकी किंग जैसा बिहेव करने लगे, बहुत अजीब लगेगा वो सिस्टम। लूफी के अभी तक के पूरे जर्नी में कोई खास मंकी किंग से रिलेटेबल रेफरेंसेस नहीं देखने को मिले हैं। अभी उसका डेविल फ्रूट भी अचानक से चेंज हुआ है, पूरा का पूरा कैरेक्टर का बेस अगर चेंज हो जाएगा तो अभी तक के कैरेक्टर डेवलपमेंट का कोई पॉइंट नहीं बनेगा। जस्ट रेफरेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ मंकी किंग से रिलेटेबल कैरेक्टर कौन है, एंड ऑब्वियसली आपने सही गेस किया, वो गोकू है। संग गोकू इज द मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर टू मंकी किंग। अब जरा ये इमेजिन करो कि लूफी भी गोकू जैसा बिहेव करने लगे तो वो चीज बहुत अजीब लगेगी, या फिर उसको मंकी किंग जैसा ही कुछ दिखा देना, वो भी बहुत अजीब लगेगा। काइडो वर्सेस लूफी की ही बात हो रही है तो ये एक्चुअली दो सीन्स में डिवाइडेड है इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में। पहला एक फ्लैशबैक से पहले और दूसरा वाला फ्लैशबैक के बाद है। पहले वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर काइडो की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, वो लूफी के फिस्ट की तरफ मुंह खोल के फायर करने वाला है और लूफी का बजरंग गन ओनिगाशिमा की तरफ आ रहा है। पिछले चैप्टर का पैनल याद करो तो वहां पर ब्लैक लाइटनिंग थी, मतलब एडवांस कॉन्करर की यूज हो रही है। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा सा अनटच वाला क्लैश होता है। ये क्लैश इतना बड़ा होता है कि इवन लूफी भी अपने दूसरे हाथ से अपना फेस कवर कर लेता है, मतलब जो हाकी यूज कर रहा है उसी की गांड फट रही है, भाई यहाँ क्या चल रहा है। फ्लैशबैक
सीन से पहले लूफी का हाथ ऑलमोस्ट काइडो के दांत तक पहुंच गया है। चलो ये सब छोड़ो, फाइनली और ऑब्वियसली मोमोनोसुके ओनिगाशिमा को रास्ते से हटा पा रहा है इतने रंडी रोने के बाद। फाइनली वो कुछ काम की चीज कर रहा है। जब वो भी बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हुआ था, मुझे लगा था काइडो वर्सेस मोमो होगा ड्रैगन फॉर्म में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एट वेरी लीस्ट वो फ्लेम क्लाउड्स बना के वॉनो को बचा पा रहा है, एंड एक्चुअली वही इनफ है उसके कैरेक्टर के लिए फिलहाल। अच्छा, कॉमेंट्स में ये जरूर बताना कि मोमोनोसुके का क्या लगता है, क्या वो भी फ्यूचर में काइडो के जैसे फायर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होगा या फिर हाइब्रिड फॉर्म वगैरह में देखने को मिलेगी। मतलब वानो के बाद वानो में तो कुछ देखने को मिलना नहीं। अभी बात करें फ्लैशबैक की, तो इनसाइड कैसल सब लोग अभी स्टेबल है क्योंकि एक आग ही रह गई थी, वो भी राइजो ने बुझा दिया। मतलब ओनिगाशिमा का सीन अब खत्म ही है। अब सभी समुराइज प्रे कर रहे हैं कि काइडो खत्म हो जाए तो वो सभी फ्री हो जाएंगे। इसी में कावामात्सु को याद आता है कि ओडन के एक्सिक्यूशन के बाद क्या क्या हुआ था। काइडो तुरंत मोनोसुके को मारने निकला था, उसके सामने कुरी के लोग उसे रोकने के लिए आए थे, लेकिन उसने उन सभी को खत्म कर दिया। सारे के सारे डीमियो काइडो को रोकने के लिए आए थे, बट सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था जहाँ यासु और यमाटो मिले थे, वही सेम जगह जहाँ यमाटो शिमोत्सुकी उशिमारू से भी मिली थी। ऑल्सो ये बात मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ, ऑल्दो जोरो उशिमारू के जैसा दिखता है लेकिन अकॉर्डिंग टू ओडा उशिमारू जोरो का बाप नहीं है, तो शिमोत्सुकी जोरो वाला कॉन्सेप्ट फिलहाल के लिए खत्म है। ओडा ने SBS में भी बताया था कि उसके नेम को बहुत क्लेवरली हाइड किया गया है, तो इसे इतनी सिंपली रिवील कर देना ये चीज ओडा नहीं चाहते थे। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है तो हमें डायरेक्टली दिखता है ओरोची बहन का लौड़ा, भाई माफ कर दो यार, मर जाओ ना भोसड़ी के। ये अभी भी मरा नहीं है और जल रहा है, तभी वहाँ डेंजिरो आता है और उसका सर काट देता है, जैसे कि ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। ओरोची का सिर बहनचोद हर 5 से 10 चैप्टर में कटता है लेकिन मरता ही नहीं है। अब तो मैं चाहता हूँ कि ना मरे बहनचोद, उसको ऐसे ही बांध के जेल में डाल दो और हर दूसरे दिन उसका एक सर काटो। फ्लावर फेस्टिवल भी देखने को मिलेगा जहाँ पर लोग प्रे कर रहे हैं कि काइडो से बचा लो, ओरोची को खत्म कर दो। मैं भी वहीं वानों में ही हूँ गाइस और धीरे धीरे बोल रहा हूँ बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। चैप्टर का एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लास्ट में हमें 2 एक्सटेंडेड पेजेस पे दिखेगा काइडो वर्सेस लूफी, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों पेजेस को मिला के एक बड़ा सा पैनल ड्रॉ करेंगे ओडा सेंसेई। लेकिन इस वाले पैनल में एक कैच है, याद करो कैसे राइट बिफोर द फ्लैशबैक लूफी और काइडो का सीन था जहां लूफी का हाथ ऑलमोस्ट काइडो के दांतों पे था, लेकिन यहां पर सीन बिल्कुल ही अलग सा लग रहा है क्योंकि यहां पर काइडो का मुंह भी नहीं खुला है और लूफी का हाथ बहुत दूर है काइडो से। शायद ये सीन 2-3 सेकंड्स पीछे खींच के ड्रॉ किया गया है, मांगा भी अभी एनिमे की जैसे खींची जा रही है क्या शायद। मोमो एस प्लान ओनिगाशिमा को रास्ते से हटा देगा। नोटिस ये करो कि ओनिगाशिमा जैसे आइलैंड को मोमो तब हटा रहा है जब लूफी का पंच रास्ते में ही है, मतलब लूफी का पंच धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है। बाय द टाइम ओनिगाशिमा रास्ते से हटेगा और काइडो को पंच पड़ेगी तो काइडो नीचे वानो के जमीन पे गिरेगा। फाइट ओनिगाशिमा से शिफ्ट होके वानो मेनलैंड में होने लगेगी जहां सब विटनेस करेंगे कि कैसे वो आज की रात काइडो से फ्री हो जाएंगे। वैसे भी सब यही विश भी कर रहे हैं, हो सकता है इसी पंच से काइडो डिफीट भी हो जाए, विच विल मार्क द एंड ऑफ काइडो वर्सेस लूफी, बट ऐसा नहीं लगता मुझे। काइडो अभी ट्रांसफॉर्म हुआ है और अभी भी देयर इज मोर टू देम। अभी रियलिटी में क्या होने वाला है वो तो चैप्टर आने के बाद पैनल्स को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पैनल्स देख के भी कुछ पता चलने वाला है क्योंकि मुझसे ज्यादा तेज लोग ऑलरेडी पैनल्स देख के स्पॉयलर्स लीक कर चुके हैं। तो बेसिकली हमें चैप्टर नंबर 1049 का वेट करना पड़ेगा क्योंकि उस चैप्टर में ही पता चलेगा कि आखिर लूफी के पंच का क्या होने वाला है। एंड दैट इज ऑल आई हैव टू स्पीक फॉर दिस स्पॉयलर वीडियो। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन द स्पॉयलर्स ऑफ 1048। आई होप आप लोग को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने खोज खाज के आपको बता दिया। अगर आप सभी को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है काइडो की क्या क्या पावर्स होने वाली है और बजरंग गन से आखिर काइडो को क्या होगा। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस को देखना पसंद करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको भी जबरदस्ती दिखाओ और डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आए तो हमारी और भी कई सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं वन पीस रिलेटेड, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।